लखनऊ में हाथरस हादसे को लेकर बैठक हुई है। न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों अन्य सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में प्रमुख सचिव संसदीय कार्य जेपी सिंह, आईजी लॉ एंड ऑर्डर एलआर कुमार भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और इस बैठक में जांच को लेकर रणनीति तैयार की गई है। तो न्यायिक जांच आयोग ने यहां पर बैठक की है, ये यहां पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमें जो टाइम मिला हुआ है कमीशन को, वी विल ट्राई टू फिनिश इट अप जल्दी। हाथरस बहुत एक डीएम की रिपोर्ट आई थी, फिर 24 घंटे की रिपोर्ट जो आई, क्या ये आपके वो डॉक्यूमेंटेशन आपको उनसे पूछना पड़ेगा। हम अभी मौके पे गए नहीं है, लेकिन हम जल्दी जाने की कोशिश करेंगे। क्या वो आपको सौंपे गए कि अब तक की जो जांच हुई है? नहीं, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं, फिलहाल नहीं है, आवश्यकता समझेंगे। कब तक सर हाथरस जाना होगा आप लोगों का? हम लोग बहुत जल्दी जाएंगे, दो एक दिन के अंदर जाने की सोच रहे हैं। अभी प्लान किया इसी सिस्टम सारी मीटिंग। सर एक सवाल बहुत तेजी से बाहर भी चर्चा में आ रहा है कि जो पुलिस की FIR है, देखिए हम चर्चा पे तो नहीं चलेंगे, हमें जो काम मिला है कमीशन को भी उस पे हम काम करेंगे और वी विल कलेक्ट एविडेंस एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट सर्टेन मेजर्स। लेकिन हमारे पास अभी वो डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए हम आप उसके कोई कमेंट नहीं कर पाए। सर, इस पुलिस की FIR में जो आरोपी है उसके अतिरिक्त भी कुछ आरोपी हो सकते हैं? नो कमेंट। इस तरह की बात केस से जुड़े जो लोग, जो चीज हमारे पास नहीं है हम उस पर कमेंट नहीं करते। सर, इस मामले से जुड़े जो लोग हैं क्या उनसे भी आएगा? हाँ बिल्कुल, जरूरत समझेंगे, सबसे करेगा। आपसे भी अगर मदद की जरूरत होगी तो वो भी लेंगे, क्योंकि हमें सच्चाई के रास्ते पे जाना है, लेकिन अभी तो हम नहीं कर पाएंगे। अलीगढ़ में ट्यूशन पढ़ने जा रही नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की गई। शोर शराबा होने पर स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को दबोचकर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने इसको लेकर मुकदमा दर्ज किया है। आरोप के मुताबिक लड़की पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। लड़की के परिजनों का कहना है कि आरोपी कई दिनों से आरोपी बच्ची को परेशान कर रहे थे। घटना की जानकारी होने पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मेयर और हिंदूवादी संगठन के लोग थाने पहुंचे। आरोपियों के विरुद्ध तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। प्रार्थना पत्र वादी द्वारा दिया गया, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि उनकी पुत्री जो नाबालिग है उसके साथ कुछ युवकों द्वारा छेड़खानी की गई है, जिस संबंध में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अभियोग पंजीकृत करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने गाड़ी चोरी के आरोपी का एनकाउंटर किया। इस एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हो गया। उसके पास से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद किया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ है।